पप्पू बोला, अरे इस बोरी पर मत बैठना वरना फट जाएगी। राजू बोला, क्यों इस बोरी में गुब्बारे हैं क्या? पप्पू बोला, नहीं किल हैं। संता ने अपने आलसी नौकर से कहा, यहाँ पर इतने सारे मच्छर गुनगुना रहे हैं, तू इन्हें मार गिरा दे। थोड़ी देर बाद संता फिर से बोला, अरे यार मैंने तुझे मच्छर मारने को कहा था, अभी तक तूने मारा नहीं, वो अब भी गुनगुना रहे हैं। नौकर बोला, साहब मच्छर तो मैंने मार दिए, ये तो उनकी पत्नियां हैं जो विधवा होकर रो रही हैं। मेम साहब की दो पेंटी गायब थी और वो नौकरानी पर चोरी का इल्जाम लगाकर बुरी तरह डांट रही थी। नौकरानी का रो रो कर बुरा हाल था और मेम साहब उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। हताश होकर नौकरानी रोते हुए साहब की ओर देखी और बोली, साहब अब आप ही कुछ बोलिए ना, आप तो जानते हैं कि मैं पेंटी नहीं पहनती हूँ। सुहागरात के दिन पति अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज मुझे वो सब करने दो जिसका मैं हकदार हूँ। तभी पत्नी ने कहा, ठीक है फिर तो तुम अपना हाथ हटाओ। उसके बाद पत्नी पति को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। पति बोला, अरे पगली मैं तो मजाक कर रहा था। एक लड़की अपनी सहेली से बोली, यार ऑफिस में मेरा शोषण हो रहा है। सहेली बोली, क्यों और कैसे? लड़की बोली, ऑफिस का तिवारी मुझे हमेशा कहता है कि तुम्हारे बालों की खुशबू बहुत अच्छी है। सहेली बोली, तो इसमें बुरा क्या है? लड़की बोली, अरे यार पर तिवारी की हाइट 2.5 फुट है ना। पप्पू बोला, कल बारिश में भीगते समय सोचा थोड़ा बचपन याद किया जाए। एक बच्चे से कागज मंगवाया और उसकी नाव बनाई, पर जैसे ही नाव उल्टी हुई बचपन भूल गया। मुझे तो यार वो याद आ गई।